कसौटी जिंदगी की एक बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, जल्द ही सोनालिका के कबर्ड में मिलेगा वो पैसों का बैग। यस, और ये सब कुछ किया है प्रेरणा ने। सोनालिका जब ये सारी चालें चल रही थी, जब वो पैसों का बैग निकाल के प्रेरणा के घर पहुंचाने जा रही थी, जब उसने प्रेरणा के उस कबर्ड की, जो अनुराग का कबर्ड है जिसकी चाबी प्रेरणा के पास रहती है, पूरी जिम्मेदारी प्रेरणा के पास रहती है, उस चाबी का जब डुप्लीकेट बनवाया, ये सब कुछ प्रेरणा को पता था। और सोनालिका की इसी चाल को पलट दिया है प्रेरणा ने। यहाँ जब घर पे कुछ नहीं मिलता, प्रेरणा के घर पे कुछ नहीं मिलता, तो प्रेरणा अब डिमांड करती है कि मेरे घर की तलाशी तो हो गई, अब सोनालिका के रूम की भी, उस कमरे की भी तलाशी लेनी है। और वहीं पर, यानी सोनालिका के रूम में, वो पैसों का बैग मिलता है। इस बात से सोनालिका का गुस्सा, ओ माय गॉड, और मोहिनी की इज्जत तार तार हो जाती है। जहाँ वो अपनी बहू को इतनी अच्छी बता रही थी, जहाँ वो अपनी बहू को प्रेरणा के हर चीज़ों से बेहतर बता रही थी, आज उसके पास वो बैग मिला। प्रेरणा ने हज़ार बार कहा कि वो बैग वही है, वही है, वही है, पर सोनालिका ने नहीं सुना, मोहिनी ने भी नहीं सुना, अनुपम ने भी ये बात कहने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं सुना। प्रेरणा ने वो बैग वही रखा है। और अब प्रेरणा यहाँ पर डिमांड करती है कि यहाँ तो बैग नहीं मिला, अब मेरी बात मानिए, पुलिस को वहाँ भेजिए और वहाँ पर वो बैग मिलेगा। प्रेरणा, शिवानी, सोनालिका, अनुराग, सब लोग पहुँचते हैं अनुराग के घर, प्रेरणा के घर से अनुराग के घर, और यहाँ पर मिलेगा वो पैसों का बैग। सोनालिका ये देख कर शॉक्ड हो जाएगी, उसने तो पैसों का बैग वहाँ पहुँचाया था। सोनालिका के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं है कि प्रेरणा उसकी चाल, उसकी सोच से एक कदम आगे सोचती है। और यहाँ पर सोनालिका के लिए जो भी अभी तक एक रिस्पेक्ट थी अनुराग की नज़रों में, वो सब ख़त्म हो जाएगी। वो सोनालिका पर बहुत चिल्लाएगा और उसे हद में रहने को बोलेगा। प्रेरणा यहाँ तीखी मुस्कुराएगी, क्योंकि जैसे सोनालिका हरकतें करती थी, प्रेरणा उसका जवाब उसी की तरीके से देती है। तो अब इस पैसे, अब ये पैसे जब यहाँ मिलते हैं, तो अनुराग कैसे रिएक्ट करता है, सोनालिका से क्या पूछता है, और सोनालिका अब प्रेरणा से क्या कहती है, ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।